हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीखा रियल ब्लॉग। तो फ्रेंड, अभी मैं सुबह से नहा धो के मैंने साड़ी पहना हुआ है। अभी मैं जा रही हूँ मंदिर शिव जी को जल चढ़ाने। आज का बहुत महत्व है, आज अमावस्या है। अधिक मास में अमावस्या बहुत ही शुभ माना जाता है। ये जो योग है 19 साल बाद बना है। इसमें हमें शिव जी की आज के दिन एक कनेल का फूल और जल अर्पण करना चाहिए। तो देखिए, मैं यहाँ निकल रही हूँ मंदिर के लिए। सो फ्रेंड, मैं जा रही हूँ मंदिर। ये देखिए फैक्ट्री है हमारी पानी की। आरओ का पानी जो होता है हमारी फैक्ट्री में बॉटल में भर के सप्लाई होता है। अब मैं जा रही हूँ। ये हमारी फैमिली मेंबर लोगों का घर है। हमारी ताऊ जी का, चाची सास लोगों का घर है ये। यहीं पे हमारा भी घर है, यहीं पे हमारा मंदिर है। ये देख सकते हैं, मेरे चाचा जी का घर है। ये सामने वाइट वाला मेरा घर, नया घर बन रहा है। तो मैं आप लोग को भी दिखाऊंगी कि मेरा घर कहाँ तक बनना है और कहाँ तक भी बनना बाकी है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, मेरे वीडियोस को लाइक करना। कोई भी आपके क्वेश्चन हो तो हम उसे पूछिएगा। ये देखिए, मैं यहाँ पे शिव जी को जल अर्पण कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड ने थोड़ी सी क्लिप ली थी और बाकी मैंने तो वीडियो नहीं बनाई मंदिर में। ये देखिए, यहाँ पे टाइल्स का काम चल रहा है। ये लॉबी है, इसमें भी टाइल्स लग रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। ये रूम है एक, इसमें ऑलमोस्ट टाइल्स लग चुकी है। ये देखिए वॉशरूम है। आप लोग बताइएगा ज़रूर आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग को कैसा लगा। और कोई गलती हो मुझसे या कमी हो तो प्लीज़ उसको भी बताइए और मैं अच्छा वीडियोस लाने की पूरी कोशिश करूँगी। किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए ये भी आप हमें बताइएगा प्लीज़। आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ये देखिए, मैं आपको किचन दिखाती हूँ। अब किचन में तो बहुत ज़्यादा काम बाकी है। ये देखिए, किचन से ही अटैच हमारा वॉशिंग एरिया है। बिकॉज हमारे यहाँ मेड आती हैं बर्तन साफ़ करने के लिए, तो वो लोग खड़े होकर नहीं धोती हैं। उन लोग को बैठ के धोने के लिए जगह स्पेस चाहिए होता है, इसलिए हमने किचन से अटैच ही वॉशिंग एरिया भी बनवा लिया है। यहाँ मैं घर जा रही हूँ। मिलते हैं आप लोग से घर जाने के बाद। ये देखिए, मैं आपको दिखा दी, मैंने राइस बना लिया घर आके। और ये मैंने सब्जी बनाया हुआ है। आज हम ब्राह्मण खिला रहे हैं, तो संसार मैंने बिना प्याज लहसुन के सारे खाना बनाए हुए हैं। तो पंडित जी को बेशक हम चावल दाल तो खिलाएंगे नहीं, पूरी सब्जी स्वीट और रायता है, सैलेड है और ग्रीन चटनी, मीठी चटनी वगैरह सब खिलाएंगे। आप मैंने सब कुछ आपको दिखाया नहीं, बिकॉज चटनी वगैरह रायता वगैरह फ्रीज में था तो मैं वहाँ गई नहीं। मैं फ़ोटो टैग कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। और आज के दिन आप भी ब्राह्मण खिलाइए, आपको बहुत ही लाभ होगा इस चीज़ का। सो फ्रेंड, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू। गुड नाइट। ये रात का समय है, मैं सोची कि वीडियो को एंड कर देती हूँ, तो मैंने कैमरा ऑन कर लिया। नाइट का टाइम, अभी हम लोग का डिनर नहीं कंप्लीट हुआ है, तो चलिए डिनर देते हैं सबको। फिर उसके बाद किचन क्लीन वगैरह करते हैं, फिर सो जाते हैं। कल मेरा आफ्टरनून टाइम में मेरा एग्ज़ाम है। बहुत हेटक हो रहा है यार, एग्ज़ाम देना। मैंने पढ़ाई बिल्कुल की ही नहीं है, ना के बराबर क्या की ही नहीं है। चलिए देखते हैं, गॉड के भरोसे जाऊंगी एग्ज़ाम देने और देखो क्या होता है। इनका देखो है, कर दो श्री। हाँ।
कुछ बोलना चाहेंगे आप? सो फ्रेंड, हम वीडियो का यहाँ पे एंड करते हैं। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियोस को लाइक करना इस क्यूट सी बेबी के लिए। चलिए फिर, बाय बाय।